हे दोस्तों, इमोजीज मीनिंग के सीरीज पार्ट 4 में आपका स्वागत है। अगर आपने पार्ट 1, 2, 3 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाके देख सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। आज का पहला इमोजी है ये। इसे इंग्लिश में पर्सन टेकिंग बाथ इमोजी कहते हैं और हिंदी में स्नान लेता हुआ व्यक्ति कहते हैं। इसे इंग्लिश में पर्सन इन बेड इमोजी कहते हैं और हिंदी में बिस्तर में लेटे हुए व्यक्ति कहते हैं। इसे इंग्लिश में लव लेटर कहते हैं और हिंदी में प्रेम पत्र कहते हैं। इसे इंग्लिश में बॉम्ब कहते हैं और हिंदी में इसे बम कहते हैं। इसे इंग्लिश में जेम स्टोन कहते हैं और हिंदी में इसे रत्न कहते हैं। इसे इंग्लिश में कैंडल कहते हैं और हिंदी में इसे मोमबत्ती कहते हैं। इसे इंग्लिश में प्रेयर बीड्स कहते हैं और हिंदी में इसे माला कहते हैं। इसे इंग्लिश में पिल कहते हैं और हिंदी में इसे गोली कहते हैं। इसे इंग्लिश में टूथ कहते हैं और हिंदी में इसे दांत कहते हैं। इसे इंग्लिश में मिलिट्री मेडल कहते हैं और हिंदी में इसे सैन्य सम्मान पदक कहते हैं। इसे इंग्लिश में ट्रॉफी कहते हैं और हिंदी में भी इसे ट्रॉफी ही कहते हैं। इसे इंग्लिश में फर्स्ट प्लेस मेडल कहते हैं और हिंदी में इसे पहले स्थान का पदक कहते हैं। इसे इंग्लिश में सेकंड प्लेस मेडल कहते हैं और हिंदी में इसे दूसरे स्थान का पदक कहते हैं। इसे इंग्लिश में थर्ड प्लेस मेडल कहते हैं और हिंदी में इसे तीसरे स्थान का पदक कहते हैं। इसे इंग्लिश में स्टूडियो माइक्रोफोन कहते हैं और हिंदी में भी इसे स्टूडियो माइक्रोफोन ही कहते हैं। इसे इंग्लिश में लेवल स्लाइडर कहते हैं और हिंदी में भी इसे लेवल स्लाइडर ही कहते हैं। इसे इंग्लिश में कंट्रोल नॉब्स कहते हैं और हिंदी में इसे नियंत्रण बटन कहते हैं। इसे इंग्लिश में हेडफोन कहते हैं और हिंदी में भी इसे हेडफोन ही कहते हैं। इसे इंग्लिश में म्यूजिकल स्कोर कहते हैं और हिंदी में इसे संगीत रचना कहते हैं। इसे इंग्लिश में म्यूजिकल कीबोर्ड कहते हैं और हिंदी में इसे संगीत कीबोर्ड कहते हैं। इसे इंग्लिश में ड्रम कहते हैं और हिंदी में इसे ढोल कहते हैं। इसे इंग्लिश में सैक्सोफोन कहते हैं और हिंदी में भी इसे सैक्सोफोन ही कहते हैं। इसे इंग्लिश में ट्रम्पेट कहते हैं और हिंदी में इसे तुरही कहते हैं। इसे इंग्लिश में गिटार कहते हैं और हिंदी में भी इसे गिटार ही कहते हैं। इसे इंग्लिश में वायलिन कहते हैं और हिंदी में भी इसे वायलिन ही कहते हैं। इसे इंग्लिश में बेंजो कहते हैं और हिंदी में भी इसे बेंजो ही कहते हैं। इसे इंग्लिश में फिल्म फ्रेम्स कहते हैं और हिंदी में भी इसे फिल्म फ्रेम ही कहते हैं। इसे इंग्लिश में वीडियो कैमरा कहते हैं और हिंदी में भी इसे वीडियो कैमरा ही कहते हैं। इसे इंग्लिश में सैटेलाइट एंटीना कहते हैं और हिंदी में भी इसे सैटेलाइट एंटीना ही कहते हैं। इसे इंग्लिश में मेंटल पीस क्लॉक कहते हैं और हिंदी में इसे मेंटल पीस घड़ी कहते हैं। इसे इंग्लिश में अलार्म क्लॉक कहते हैं और हिंदी में इसे अलार्म घड़ी कहते हैं। इसे इंग्लिश में लाइट बल्ब कहते हैं और हिंदी में इसे बत्ती कहते हैं। इसे इंग्लिश में फ्लैश लाइट कहते हैं और हिंदी में इसे टॉर्च कहते हैं। इसे इंग्लिश में दिया लैंप कहते हैं और हिंदी में इसे दिया कहते हैं। इसे इंग्लिश में रेड पेपर लालटेन कहते हैं और हिंदी में इसे लाल कागज का लालटेन कहते हैं। इसे इंग्लिश में हुक कहते हैं और हिंदी में भी इसे हुक ही कहते हैं। इसे इंग्लिश में टूल बॉक्स कहते हैं और हिंदी में इसे उपकरण बक्सा कहते हैं। इसे इंग्लिश में लैडर कहते हैं और हिंदी में इसे सीढ़ी कहते हैं। इसे इंग्लिश में मिरर कहते हैं और हिंदी में इसे दर्पण कहते हैं। इसे इंग्लिश में की कहते हैं और हिंदी में इसे कुंजी कहते हैं। इसे इंग्लिश में ओल्ड की कहते हैं और हिंदी में इसे पुरानी कुंजी कहते हैं। इसे इंग्लिश में स्क्रू ड्राइवर कहते हैं और हिंदी में भी इसे स्क्रू ड्राइवर ही कहते हैं। इसे इंग्लिश में हैमर कहते हैं और हिंदी में इसे हथौड़ा कहते हैं। इसे इंग्लिश में पिक कहते हैं और हिंदी में भी इसे पिक ही कहते हैं। इसे इंग्लिश में हैमर एंड पिक कहते हैं और हिंदी में इसे
हथौड़ा और पिक कहते हैं। इसे इंग्लिश में हैमर एंड रेंच कहते हैं और हिंदी में भी इसे हथौड़ा और रेंच ही कहते हैं। इसे इंग्लिश में वाइस कहते हैं और हिंदी में भी इसे वाइस ही कहते हैं। इसे इंग्लिश में गियर कहते हैं और हिंदी में भी इसे गियर ही कहते हैं। इसे इंग्लिश में कारपेंट्री सो कहते हैं और हिंदी में इसे सर्कट कहते हैं। इसे इंग्लिश में नट एंड बोल्ट कहते हैं और हिंदी में भी इसे नट और बोल्ट ही कहते हैं। इसे इंग्लिश में ब्रिक कहते हैं और हिंदी में इसे ईंट कहते हैं। इसे इंग्लिश में लगेज कहते हैं और हिंदी में इसे सामान कहते हैं। इसे इंग्लिश में शॉपिंग बैग्स कहते हैं और हिंदी में इसे शॉपिंग बैग कहते हैं। इसे इंग्लिश में बैकपैक कहते हैं और हिंदी में भी इसे बैकपैक ही कहते हैं। इसे इंग्लिश में क्लच बैग कहते हैं और हिंदी में भी इसे क्लच बैग ही कहते हैं। इसे इंग्लिश में हैंडबैग कहते हैं और हिंदी में भी इसे हैंडबैग ही कहते हैं। इसे इंग्लिश में पर्स कहते हैं और हिंदी में इसे पर्स ही कहते हैं। इसे इंग्लिश में बैलेट शूज कहते हैं और हिंदी में इसे बैले जूते कहते हैं। इसे इंग्लिश में मेंस शू कहते हैं और हिंदी में इसे पुरुषों के जूते कहते हैं। इसे इंग्लिश में रनिंग शू कहते हैं और हिंदी में इसे रनिंग जूते कहते हैं। इसे इंग्लिश में हाइकिंग बूट कहते हैं और हिंदी में भी इसे हाइकिंग बूट ही कहते हैं। इसे इंग्लिश में फ्लैट शू कहते हैं और हिंदी में इसे फ्लैट जूते कहते हैं। इसे इंग्लिश में हाई हील्ड शू कहते हैं और हिंदी में इसे हाई हील जूते कहते हैं। इसे इंग्लिश में वुमेन सैंडल कहते हैं और हिंदी में इसे महिलाओं के सैंडल कहते हैं। इसे इंग्लिश में वन पीस स्विम सूट कहते हैं और हिंदी में इसे एक टुकड़ा स्विम सूट कहते हैं। इसे इंग्लिश में बिकनी कहते हैं और हिंदी में भी इसे बिकनी ही कहते हैं। इसे इंग्लिश में ग्रेजुएशन कैप कहते हैं और हिंदी में भी इसे ग्रेजुएशन कैप ही कहते हैं। इसे इंग्लिश में टॉप हैट कहते हैं और हिंदी में भी इसे टॉप हैट ही कहते हैं। इसे इंग्लिश में बेसबॉल कैप कहते हैं और हिंदी में भी इसे बेसबॉल कैप ही कहते हैं। इसे इंग्लिश में मोर्टर बोर्ड कहते हैं और हिंदी में भी इसे मोर्टर बोर्ड ही कहते हैं। इसे इंग्लिश में वुमेन्स हैट कहते हैं और हिंदी में इसे महिलाओं की टोपी कहते हैं। इसे इंग्लिश में एकेडमिक कैप कहते हैं और हिंदी में भी इसे एकेडमिक कैप ही कहते हैं। इसे इंग्लिश में हुड कहते हैं और हिंदी में भी इसे हुड ही कहते हैं। इसे इंग्लिश में पार्टिंग फेस कहते हैं और हिंदी में इसे पार्टी करते चेहरा कहते हैं। इसे इंग्लिश में स्टार स्ट्रक कहते हैं और हिंदी में भी इसे स्टार स्ट्रक ही कहते हैं। इसे इंग्लिश में थिंकिंग फेस कहते हैं और हिंदी में इसे सोचता हुआ चेहरा कहते हैं। इसे इंग्लिश में रेज्ड आईब्रो कहते हैं और हिंदी में इसे उठाए आंख वाला चेहरा कहते हैं। इसे इंग्लिश में न्यूट्रल फेस कहते हैं और हिंदी में इसे न्यूट्रल चेहरा कहते हैं। इसे इंग्लिश में एक्सप्रेशनलेस फेस कहते हैं और हिंदी में इसे अर्थहीन चेहरा कहते हैं। इसे इंग्लिश में फेस विदाउट माउथ कहते हैं और हिंदी में इसे मुंह के बिना चेहरा कहते हैं। इसे इंग्लिश में स्मर्किंग फेस कहते हैं और हिंदी में इसे दूरत चेहरा कहते हैं। इसे इंग्लिश में अनम्यूज्ड फेस कहते हैं और हिंदी में इसे नाराज चेहरा कहते हैं। इसे इंग्लिश में फेस विथ रोलिंग आईज कहते हैं और हिंदी में इसे आंखें घुमाकर देखने वाला चेहरा कहते हैं। इसे इंग्लिश में ग्रीमेसिंग फेस कहते हैं और हिंदी में इसे मुस्कुराहट दिखाते चेहरा कहते हैं। इसे इंग्लिश में लाइंग फेस कहते हैं और हिंदी में झूठ बोलने वाला चेहरा कहते हैं। इसे इंग्लिश में नोजिएटेड फेस कहते हैं और हिंदी में इसे उल्टी करते चेहरा कहते हैं। इसे इंग्लिश में फेस वॉमिटिंग कहते हैं और हिंदी में इसे उल्टी करते चेहरा कहते हैं। इसे इंग्लिश में स्नीजिंग फेस कहते हैं और हिंदी में इसे छींकते चेहरा कहते हैं। इसे इंग्लिश में हॉट फेस कहते हैं और हिंदी में इसे गर्म चेहरा कहते हैं।
और जो आज का आखिरी इमोजी है वो है ये। इसे इंग्लिश में कोल्ड फेस कहते हैं और हिंदी में इसे ठंडा चेहरा कहते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको 70 इमोजीज के नेम हिंदी और इंग्लिश में बताए हैं और चारों पार्ट्स को मिलाकर मैंने आपको 300 से ज़्यादा इमोजीज के मीनिंग बताए हैं। आशा करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर काम आएगी। वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट्स करके अपने सुझाव दें और हमारे चैनल प्रीमेंट को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें, जिससे मेरे आगे आने वाले वीडियोस देखकर आप अपनी नॉलेज और अवेयरनेस दोनों बढ़ा सकें। फाइनली, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।